दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे टीचर देखे हैं जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाना जानते हैं। अगर वो ऑनलाइन यूट्यूब पे आ जाए तो वो बहुत अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि PDF कैसे बनाएं, PPT कैसे बनाएं, ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, इन सब के बारे में उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो YouTube पे आना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, वैसे टीचर के लिए जो YouTube पे 2023 में आना चाहते हैं, YouTube पर अपना नाम कमाना चाहते हैं, YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं, तो वैसे टीचर के लिए ये वीडियो है कि आप कैसे 2023 में अपना एजुकेशनल YouTube चैनल के लिए एक अच्छा लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज जो दोस्तों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो दोस्तों आपका जो समय है वो भी कम से कम खर्च होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में डिटेल में बारीकी से जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल @techmitra। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको किस तरह का एजुकेशनल वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। फिर दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इस तरह का एजुकेशनल वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो देखने के बाद दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे भी इस तरह का वीडियो बनाना सीखना है, मुझे सीखना चाहिए, मैं भी इस तरह का ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियो बना करके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको सभी चीज़ें अच्छा लगता है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं लेते हैं, तब तक दोस्तों ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेते हैं तो आप इस तरह का वीडियो बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो कैसा है, किस तरह से बनेगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है, यानी कि डेमो दिखा देता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस तरह का एजुकेशनल वीडियो बनाना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारा चैनल का वाटरमार्क है, यहाँ पे दोस्तों सवाल है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इसका आंसर है और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें करना दोस्तों बहुत ही आसान है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, सीखना है। उसके बाद दोस्तों, जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा उस तरह से दोस्तों आपको करना है। ठीक है, पहला दिन दोस्तों आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि दोस्तों पहले दिन आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सभी चीज़ों को सेटअप करेंगे, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अगले दिन से आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगले दिन से दोस्तों आप बस क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, पढ़ाना शुरू कर देना है, लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर देना है और लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना है। बस आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फटाफट इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देना है। और इसी तरह से दोस्तों आपको लगातार जो है महीने, 2 महीने, 6 महीने करना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर आप 2023 में अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये तरीका बहुत ही शानदार होने वाला है। तो दोस्तों, आपने सभी चीज़ें देख लिया है, समझ लिया है, आई होप कि इस तरह का वीडियो आप बनाना सीखना चाहते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, सीखिए, उसके बाद दोस्तों आपको इस चीज़ को करना है। दोस्तों, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इस वीडियो में सभी चीज़ों को डिटेल में आपको बारीकी से सिखाऊं, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकें और आप इस तरह का लेक्चर वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना सकें। तो दोस्तों, सभी चीज़ें आपने देख लिया, समझ लिया, बहुत बढ़िया है। इस तरह का वीडियो आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह का वीडियो हमने आपको दिखाया है, अगर आप इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से करते हैं तो दोस्तों आप इस तरह का वीडियो बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहले वो जानते हैं। पहले स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे दिए गए लिंक पे क्लिक करके माई व्यू बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाना है।
myviewboard.com की वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों आप वहां पे साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद दोस्तों आप वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जब तक दोस्तों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं दोस्तों आप क्या करेंगे, वहां पे जो भी सेटिंग करने का मैंने आपको बताया है वो सारी सेटिंग आप कर लेंगे। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपका पहला काम कंप्लीट हो जाता है। और ये चीज़ें दोस्तों आपको लाइफ में एक ही बार करना है, ठीक है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाना है तो वो आप कैसे पढ़ा सकते, जैसे कि दोस्तों ये वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों ये जो आइकन आपको दिख रहा है माई व्यू बोर्ड का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे माई व्यू बोर्ड अकाउंट पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप इसे फुल स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो आइकन है इस तरह से आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद दोस्तों आपको जो है किसी वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे दोस्तों आपको जीके से रिलेटेड कंटेंट मिल जाए, करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए कंटेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसी कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जीके सेक्शन की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों मुझे जो भी पढ़ाना है, ठीक है, जैसे कि 5 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ाना है, तो दोस्तों यहाँ से मैं 5 जनवरी का करंट अफेयर्स यहाँ से ओपन कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से सवाल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरह से सवाल को सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग माई व्यू बोर्ड सॉफ्टवेयर में आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करके, ठीक है, कंट्रोल भी प्रेस करके इस सवाल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आप इसे यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे, यानी कि दोस्तों इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसे फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें, ये सारे ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है, और इसे क्लोज कर दूँगा। फिर मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँगा और इसे पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सवाल रख देंगे। उसके बाद अल्ट टैब दबा करके दोस्तों हम लोग वेबसाइट पर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और माई व्यू बोर्ड में जा करके दोस्तों इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद दोस्तों इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए से सभी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सभी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये कुछ इस तरह का गैप आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो डॉट आपको दिख रहा है इसे पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसे क्लोज कर देंगे और फिर दोस्तों आप इसे यहाँ पे इस तरह से रख देंगे, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से वेबसाइट पे आना है, उत्तर देखे के ऊपर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप माई व्यू बोर्ड सॉफ्टवेयर में आएंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी दबा करके इसे पेस्ट कर देंगे। इसे दोस्तों आप यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ साइड में क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और इसे दोस्तों थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट कलर में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों इसमें ग्रीन कलर अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है एक स्लाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसे थोड़ा सा इधर लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हमारा एक स्लाइड बन गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, दूसरा स्लाइड ऐड करना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके दूसरा स्लाइड ले लेंगे और फिर दोस्तों जैसे मैंने पहले स्लाइड में कंटेंट ऐड किया है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह से दोस्तों जैसे मैंने पहले स्लाइड में कंटेंट ऐड किया है, उसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरे स्लाइड में भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसे मैं फटाफट कर लेता हूँ, फिर दोस्तों आगे की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं कंट्रोल भी दबा करके इसे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसे रख दूंगा। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा,
साइड में क्लिक करूँगा, थोड़ा सा एंटर प्रेस कर दूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, फिर इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसकी साइज़ को दोस्तों मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसे रख दूँगा। फिर दोस्तों हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से दोस्तों इन सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, उसके बाद माई व्यू बोर्ड में आएंगे, यहाँ पे दोस्तों इसे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे दोस्तों इस पर डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर दोस्तों कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से दोस्तों इसमें बुलेट्स अप्लाई करेंगे और यहाँ से दोस्तों डॉट से थोड़ा सा इसे इधर खींच देंगे, फिर दोस्तों इसे साइड में क्लिक कर देंगे और उसके बाद दोस्तों इसे हम लोग यहाँ पे साइड में रख देंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है तो दोस्तों आप यहां पे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से दोस्तों आप इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा भी सकते हैं कुछ इस तरह से, और फिर दोस्तों आप इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ उत्तर देखें पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इसे पेस्ट कर देंगे और इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे, फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग इस तरह से लाइन को अरेंज कर लेंगे, ठीक है, साइड में क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों इसे पकड़ के इस तरह से बड़ा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉक वगैरह करने का ऑप्शन आता है, तो दोस्तों आप ये सारे ऑप्शन भी ट्राई करके देख सकते हैं कि किससे क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें क्या करना है, स्लाइड ऐड कर लेना है, जैसे दोस्तों आप पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं उसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करते जाना है, यहाँ पे स्लाइड आते जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सवाल को ऐड करते जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना लेंगे, प्रेजेंटेशन बन जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्लाइड आपको दिख रही है जिसपे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों हमने 3 स्लाइड बनाया है इसलिए यहाँ पे दोस्तों 3 लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग पहले स्लाइड में आ जाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग साइड में क्लिक कर देंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर लेना है और उसके बाद दोस्तों इसे हम लोग यहाँ पे साइड में रख लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देना है, लेकिन दोस्तों पढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना होगा, इसके लिए दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, 2-4 सेकेंड दोस्तों हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है ऑडियो वगैरह की सेटिंग देख लेनी है, और अगर दोस्तों आपको रिकॉर्ड करना है तो दोस्तों आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप ओके कर देंगे, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है लेक्चर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से हाईलाइटर लेंगे या तो दोस्तों आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पेन से लिख लिख करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, पढ़ाना है, जैसा करना है आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग वाला चीज़ें दिख रही है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस चीज़ को आपको साइड में रखना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप इसे साइड में रख देंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे पेन लेकर के चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपने पहला सवाल पढ़ा दिया, मान लीजिए दोस्तों आपने ये सवाल पढ़ा दिया, इसे एक्सप्लेन कर दिया, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो एरो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे सवाल पे आ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से दूसरा सवाल एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे दूसरा सवाल एक्सप्लेन करेंगे, इसे आप पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो भी करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीज़ें आप बता देंगे। एक्स्ट्रा में जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखना चाहें वो सारी चीज़ें दोस्तों आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप फिर से यहाँ पे एरो की पे क्लिक कर देंगे तो आप तीसरे स्लाइड में आ जाएंगे, यानी कि तीसरे सवाल पे आ जाएंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखना चाहें, जो भी चीज़ें आप पढ़ाना चाहें, इस तरह से दोस्तों आप पढ़ा सकते हैं। और जब दोस्तों आपका पढ़ाया हुआ हो जाएगा, ठीक है, जब दोस्तों आपका पढ़ाया हुआ हो जाएगा, आपका लेक्चर रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से दिस डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे फोल्डर दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जिस फोल्डर में सेव करना चाहें उस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इस फाइल का कुछ भी नाम दे देंगे। इस फाइल का नाम देने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों ये वीडियो आपका बनके रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है।
और उसके बाद दोस्तों आप इस स्लाइड को यहाँ से एग्जिट कर देंगे, यानी कि दोस्तों आपका जो है काम कंप्लीट हो चुका है, आपका वीडियो बन चुका है। अभी जो दोस्तों हमने वीडियो बना है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वीडियो हमारा कैसा बना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये वीडियो हमारा कुछ इस तरह का बना है। तो दोस्तों इस तरीके से जैसा अभी मैंने आपको बताया है, इस तरीके से दोस्तों आप जो है जैसा एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहें वैसा दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर एडटेक मित्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।